पेज लेआउट में हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे पेज कलर्स। हमें जैसे हमारे पेज पे किसी भी तरह के कलर्स को अप्लाई करना है तो हम पेज कलर पे जाएंगे और यहाँ से हमें जो भी कलर चाहिए वो कलर हम पेज पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें मोर कलर्स में जाकर हम और भी कलर्स यहाँ से चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। फिल इफेक्ट्स में जाकर हम इफेक्ट दे सकते हैं यहाँ से किसी भी तरह के, जैसे वन कलर टू कलर्स में चाहिए, प्रीसेट, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजेंटल, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम टू कलर्स में लेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगर हमें नॉर्मल करना है इसको तो हम यहाँ से नो कलर कर देंगे। पेज बॉर्डर्स पे जाएंगे, पेज की बॉर्डर्स बनाने के लिए हमें यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक करके और जो भी बॉर्डर आपको चाहिए यहाँ से स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल से आप पहले स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ऑटोमेटिक पर जाकर कलर फिल कर देंगे किस कलर में हमें बॉर्डर बनानी है। फिर हम यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं और इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो ये बॉर्डर इस तरह से यहाँ अप्लाई हो जाएगी। फिर जाएंगे वापस हम पेज बॉर्डर में, यहाँ से हमने बॉक्स पर ही अप्लाई की। अब हम देखेंगे शेडो में, शेडो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ बॉर्डर दिखाई देगी। फिर जाएंगे पेज बॉर्डर, हमें 3D इफेक्ट दिखाना है तो हम 3D इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। पेज बॉर्डर में आप कई तरह की बॉर्डर्स को यूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ लेंगे आर्ट, यहाँ जहाँ सामने आपको नन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे और हम कई तरह की बॉर्डर्स को यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमें ये वाली बॉर्डर लेनी है तो हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। इसको नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ सेटिंग में नन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो हमारी बॉर्डर्स वापस से नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इंडेंट स्पेसिंग। हमने जैसे मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, तीन पैराग्राफ है, हम तीनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंडेंट लेफ्ट और राइट कितना कितना इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर 3 दिया, 0.3। राइट पे भी मैंने 0.3 अप्लाई किया। स्पेसिंग, तीनों पैराग्राफ के बीच कितना स्पेस आपको रखना है। बिफोर, जैसे हमें सेकंड पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ के बीच का डिस्टेंस करना है तो बीच वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे बिफोर। हमें सेकंड और थर्ड के बीच में करना है तो हम यहाँ से 24 दोनों पे मैंने अप्लाई किया। तो आप देखते हैं कि इस तरह से हम किसी भी पैराग्राफ के यहाँ से इंडेंट और स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें अब रेफरेंस। रेफरेंस कमांड्स में हम यहाँ पर पहले हम पैराग्राफ को डिलीट कर देंगे। रेफरेंस पर क्लिक करके हम लेंगे सबसे पहले यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम यहाँ पर हमारी वो लिस्ट तैयार कर सकते हैं जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं। हमें पेज की इंडेक्स तैयार करनी है। जैसे हमने यहाँ कई तरह की फाइल्स को टाइप किया हुआ है, 10 पेजों पर वर्क किया हुआ है, हमें पेज की इंडेक्स तैयार करनी है तो फर्स्ट पेज को हम यहाँ पर खाली रखेंगे, ब्लैंक। उसके बाद हम अदर्स और भी पेजों को यहाँ ओपन करेंगे एंटर की प्रेस करके। जैसे मैंने यहाँ पर 3 पेज ओपन किए हैं। सेकंड पेज पर हम कुछ भी टॉपिक को टाइप कर देंगे। हम सेकंड पेज पर क्लिक करेंगे और कोई टॉपिक बनाएंगे। जैसे हमने लिखा क्लास और इसके नीचे इसकी डिटेल लिख दी। नेक्स्ट टॉपिक फिर हमने अलग बना दिया सब्जेक्ट। फिर हमने इसकी डिटेल डाल दी नीचे। तीसरा टॉपिक हमने ले लिया नेम।
इस तरह से हमने टॉपिक बना के और इनकी डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी है। अब हम इनको टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम जाएंगे ऐड टेक्स्ट में और यहाँ पर आपको तीन लेवल दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम एक एक लेवल तीनों पर अप्लाई करेंगे। तीन तरह के लेवल मैंने तीनों पर अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद हम फर्स्ट पेज पर जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में। यहाँ क्लिक कर हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर की टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने टॉपिक दिए थे सेकंड पेज पे, वो फर्स्ट पेज पर इंडेक्स में यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। तो हम इस तरह से हमारी यहाँ पर इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम और भी नए टॉपिक्स ऐड करते हैं, जैसे हमने थर्ड पेज पर कुछ नए टॉपिक बना देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये तीन टॉपिक और ऐड किए। अब हमें इन्हें भी उन इंडेक्स के अंदर अपडेट करना है तो सबसे पहले तो हम वही टॉपिक सेलेक्ट करके लेवल अप्लाई करेंगे। लेवल्स अप्लाई करने के बाद हम फर्स्ट पेज पर जाएंगे और यहाँ से लेंगे अपडेट टेबल। अपडेट एंटर टेबल पे क्लिक करके हम यहाँ ओके कर देंगे तो हमारे नेक्स्ट तीनों टॉपिक भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से हम जो जो भी नए टॉपिक्स बनाते जाएंगे उनको हम हमारी इंडेक्स में अपडेट करते जाएंगे अपडेट टेबल के द्वारा। नेक्स्ट हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।